तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपकी वीडियो दोस्तों सर्च में आने लग जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने टैग्स को कैसे रैंक करा सकते हो, यानी कि अपनी वीडियो को कैसे सर्च में ला सकते हो और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो और वॉच टाइम बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब आपकी वीडियो सर्च में आएगी तो व्यू भी आएंगे, और व्यू आएगा तो वॉच टाइम आएगा, वॉच टाइम आएगा तो सब्सक्राइबर भी आएंगे। तो बिना कोई बकवास के दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं अमन कश्यप, आपका स्वागत करता हूं अपने टेक्निकल अमन चैनल पे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रूफ के बिना हम कोई काम नहीं करते। तो यहाँ पर मेरी खुद की वीडियो सर्च में आती है, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे ये सिस्टम समझ में आया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, जो कि है SEO, ठीक है, जिससे कि हमारी वीडियो सर्च में आती है और टैग हमारे रैंक करते हैं। ये ट्यूब बड़ी का सेकेंड पार्ट होने वाला है, ठीक है। पहला पार्ट मैंने बना दिया, अगर नहीं देखा आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो सबसे पहले देख लो, क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज है सब चीज़, ठीक है। उसके बाद इसको देखें तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रूफ देख सकते हो, मैं स्क्रीन प्रूफ दिखा रहा हूँ मेरी वीडियो रैंक कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। ट्यूब बड़ी में एक ऑप्शन होता है जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी वीडियो रैंक कर रही है कि नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे चेक करोगे, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ पे मेरी बहुत वीडियो रैंक कर रही है, यानी कि सर्च में आ रही है, कोई तीसरे नंबर पर आ रही है, कोई पाँचवें नंबर पर आ रही है, कोई दसवें नंबर पर आ रही है, कोई कितने भी नंबर पर आ रही है, ठीक है। अगर तब भी आपको भरोसा नहीं होता तो आप भाई यूट्यूब पर जाओ और सर्च करके देख लेना हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब चैनल, तो आपको हमारी वीडियो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे दिख जाएगी, ठीक है। कल मैंने वीडियो डाली थी, वो भी सर्च में आ रही है, इसी के कारण उसमें कल मैं 1K व्यू क्रॉस कर गई, ठीक है। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को कैसे सर्च लिस्ट में ला सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा ट्यूब बड़ी में, ठीक है, जो कि मैंने बताया था। ट्यूब बड़ी में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि हमारी वीडियो सर्च में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। ट्यूब बड़ी ओपन करोगे, ट्यूब बड़ी ओपन करने के बाद वीडियो को खोलना है। वीडियो ओपन करने के बाद आपके में वही रिजल्ट वाला सिस्टम आएगा, रिजल्ट वाला सिस्टम आने के बाद ऐसे बीच में उंगली करनी और इधर स्लाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उल्टा बैठा हूँ तो इधर स्लाइड कर देना है, ठीक है। स्लाइड करने के बाद आपके में सिस्टम खुल जाएगा, वही टैग वाला सिस्टम खुलने के बाद वहाँ पर ग्रीन कलर में, यानी कि हरे कलर में नंबर बने होंगे कि आपकी वीडियो कितने नंबर पे रैंक कर रही है, यानी कि सर्च में ये टैग, अगर कोई बंदा ये टैग सर्च करेगा तो आपकी वीडियो कितने नंबर पे दिखाई देगी, ठीक है, ये वो बताता है ट्यूब बड़ी। तो ये मुझे अभी अभी पता चला था, ठीक है। मैं वैसे PC से यूज करता था, लेकिन ये सिस्टम मुझे परसों में ही पता चला, तो आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 नंबर 5 नंबर जितने भी लिखे हैं, अगर आपके में नंबर लिखे आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही काम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि आपकी वीडियो रैंक कर रही है। इसके लिए मैं आगे वीडियो लाऊंगा, अगर आपकी वीडियो रैंक कर रही है लेकिन तब भी व्यू नहीं आ रहे, यानी कि आपकी वीडियो सर्च में आ रही है लेकिन व्यू तब भी नहीं आ रहे, तो इसका सोल्यूशन आगे वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं रैंक करना बताऊंगा, रैंक कैसे करती है, ठीक है। तो वहाँ पर देख लेना आपकी वीडियो रैंक कर रही है कि नहीं, और सबसे मेन बात इतना ध्यान रखो आपकी वीडियो कम से कम टॉप 10 में रैंक करनी चाहिए, यानी कि शुरू की जो 10 वीडियो होती हैं उसमें आपकी वीडियो आनी चाहिए सर्च में, ठीक है, तभी आपके व्यू ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो वहाँ पर आप नंबर देख लेना, अगर आ जाए तो ठीक, और अगर नहीं आए फिर आपको क्या करना है, तो दोस्तों फिर आप जब भी कभी भी वीडियो अपलोड करें, यानी कि जब कभी वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आप वीडियो का जो नेम होता है उसको चेंज कर दो, रीनेम कर दो, जो आप टाइटल रखते हैं उसको ही रखो। जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल, तो जो मैंने ये वीडियो जैसे शूट कर रहा हूँ तो इस वीडियो का जो रीनेम होता है, यानी कि जो नेम होता है, वो आज की डेट वगैरह अपने आप मतलब डिफॉल्ट लगा रहता है कुछ भी, तो वहाँ पर आपको इस वीडियो का जो नेम है वो चेंज कर देना, रीनेम कर देना है। वहाँ पर आपको यही लिखना है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल। जो आप थंबनेल बनाए, जैसा कि मैंने थंबनेल बनाया, तो वहाँ पे भी मैं उसका नाम चेंज कर दूँ, क्योंकि उसमें भी डेट वगैरह लिखी रहती है, उसका भी नाम चेंज कर दो। ये SEO टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान से सुन लेना, ठीक है। इसके बाद चेंज करने के बाद अब सबसे मेन बात आती है टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल भी दोस्तों आपको काफ़ी सोच समझ के लिखना है, काफ़ी अच्छा से लिखना है, एकदम सर्चेबल लिखना है, जो कि मैंने बेसिक में बता दिया है कैसे सर्च करते हैं, और आगे भी मैं बताऊँगा, ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टाइटल अच्छा सा लिखना है, उसके बाद मेन जो चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आप टाइटल में लिखें उससे रिलेटेड कुछ टैग डिस्क्रिप्शन में लिखें, ठीक है, ये मैं सीक्रेट बात बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में टैग जरूर लिखें, क्योंकि आपकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अगर टैग लिखे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करती है, ज़्यादा चांस होते हैं रैंक करने के। कई लोगों को मैंने देखा है डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालते, बस टैग में टैग डालते हैं, वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी टैग डाल दिया करो, क्योंकि ये ट्यूब बड़ी खुद कहता है, ठीक है। जब आप ट्यूब बड़ी खोलोगे तो वहाँ पर वो लिख के दिखाता है कि आपके टाइटल में कितने टैग हैं और डिस्क्रिप्शन में कितने टैग हैं, ठीक है, यानी कि टैग हर जगह थोड़े बहुत डाल दिया करो, 5-10 टैग हर जगह चलने दो। तो डिस्क्रिप्शन में भी टैग डाल दें, और
टैग, जो हमारा टैग वाला ऑप्शन होता है उसमें भी टैग डाल दें। अब तीनों में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में एक जो पहली लाइन है, पहली और दूसरी लाइन आपको सेम बनानी है। सेम से मेरा मतलब, जैसा कि मैंने इसका टाइटल रखा है हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल, ये हो गया पहला टाइटल। दूसरा रखूँगा मैं हाउ टू गेट सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये दो टाइटल हो गए, तो दोनों टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी मुझे सेम डालना है ऊपर और नीचे, और टैग में भी ये दोनों सेम डालने हैं। उसके नीचे आप थोड़े बहुत इधर उधर यानी कि एक्स्ट्रा टैग लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ सब चीज़ सेम डालनी है। इसके बाद आपका वीडियो का SEO एकदम कंप्लीट हो चुका हो। सबसे मेन बात, आप जब कभी भी वीडियो अपलोड करो तो अनलिस्टेड करके ही वीडियो अपलोड किया करें। अनलिस्टेड करने के बाद में पब्लिश कर दिया करें, तब आपकी वीडियो के ज़्यादा चांस होते हैं रैंक करने के। और इसके बाद दोस्तों, ये सब करने के बाद आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपकी वीडियो रैंक कर रही है कि नहीं, सर्च में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इस वीडियो में तो था इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो टेक्निकल एमन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा भी याद है। तो आगे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते भाई, जय हिंद जय भारत।